उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के तहत अभियान चलाएगी। समाजवादी पार्टी इस समय अपना खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश में लगी है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी छात्र सभा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओशियन सिंह यादव ने बताया कि उत्तराखंड के हर जिले में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की भोली भाली जनता को हमेशा छला है। इसी को लेकर समाजवादी छात्र सभा पूरे प्रदेश में संघर्ष करते हुए जनहित के मुद्दों के साथ सड़कों पर उतरने जा रही है, जिसकी शुरुआत पंत नगर क्षेत्र से की गई है। कल से हम एक अभियान चालू करने जा रहे हैं, जिसमें छात्रों से लेके और पीडीए का एक अभियान चालू करने जा रहे हैं। पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको जोड़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और हम भी इस लाइन पे काम करने जा रहे हैं। पीडीए पे कल से हम पूरे उत्तराखंड में हर जिले में ये कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिले में हम करने जा रहे हैं। इसके कांग्रेस और भाजपा दो ही सरकारें रही हैं, दोनों सरकार ने मेरे हिसाब से कुछ भी सही काम नहीं किया है। दोनों ही सरकारों को लोगों ने देखा हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो चाहे वो कोई भी मुद्दा, दोनों ही हर एक मुद्दे पे सरकार मैं तो विफल मानता हूँ सरकार। पूरे उत्तराखंड में हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं अभियान चालू करने जा रहा हूँ कल से, जिसकी शुरुआत पंत नगर में होने जा रही है। कल से पंत नगर से यहाँ से शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।